I went to him and I said, hello. And he said, Assalam o Alaikum. Assalam o Alaikum, कैसे हैं आप ये वो? तो मैंने कहा, no. The good thing to do is hello. Hello, hello, hello. Okay. हम देखते हैं आजकल नौजवानों में जो अंग्रेजी मदरसे और कॉलेज में जाते हैं, वो एक दूसरे को मिलते और कहते हाय। आप देखेंगे रास्ते के दूर से एक लड़का कहेगा कॉलेज का हाय, वो कहेगा हाय। ये हाय के मानी क्या है? आप अगर खोलेंगे डिक्शनरी, हाय की मानी क्या है? इंग्लिश में तो क्या है नहीं पता, उर्दू में पता। हाय 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 बोलते ना। कोई चीज आपको पसंद नहीं तो हाय हाय, प्रोटेस्ट के लिए हाय हाय। अंग्रेजी में HIGH, हाय मतलब ऊंचाई पे। ये हाय जो बोल रहा हूं मैं HI है, उसकी मानी मुझे पता नहीं, लेकिन HIGH पता, हाय मतलब ऊंचाई पे। और एक हाय होती है अगर आप ज्यादा शराब पी लिए और नशे में धुत है तो उसे कहते हैं हाय। आई वेंट टू अ पार्टी एंड आई गॉट हाय। जो शराब के नशे में धुत हो जाता है उसे अंग्रेजी में कहते हैं हाय। आई वेंट टू अ पार्टी एंड गॉट हाय। ये ग्रीटिंग है, ये कोई तरीका है किसी को सलाम करने का। और एक आम तरीका दुनिया में है, वो है हेलो, HELLO, हेलो। और आप डिक्शनरी खोलेंगे, हेलो की क्या मानिए, वहां लिखा गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, हेलो मींस एन इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग। इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग मतलब किसी को आपको सलाम करना है इनफॉर्मल, अपनेपन में, तो हेलो बोलो। ये अंग्रेजी लफ्ज हेलो आया कैसे? और एक मानिए इसकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, और एक मानिए कि टेलीफोन पे आपको कभी बातचीत शुरू करने का है तो हेलो से शुरू करते। आप टेलीफोन पे जब बातचीत करते हेलो हेलो, ये शुरू कैसे हुआ? ये टेलीफोन पे हेलो बोलना शुरू कैसा हुआ? सबसे पहले टेलीफोन को इजाद किया एक शख्स है जिसका नाम है अलेक्जेंडर बेल। अलेक्जेंडर बेल वो इंसान है जिसने टेलीफोन को सबसे पहले इजाद किया। वो एक वक्त जब घर से बाहर निकल रहा था तो टेलीफोन की बेल बजी, तो जल्दी में बात करने के लिए उसने उठा के बोला हेलो। तो ये अभी हमेशा टेलीफोन में शुरू करने के लोग कहते हैं हेलो हेलो हेलो। ये अलेक्जेंडर बेल ने एक बार कह दिया और अभी सब इंसान कहते हैं। लेकिन मैं इस डेफिनेशन को पूरी मुकम्मल तौर पे मानता नहीं हूं कि टू स्टार्ट अ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, एक टेलीफोनिक बातचीत को शुरू करने के लिए कहते हैं हेलो, मैं इसको मानता नहीं हूं। क्योंकि आज बहुत बार जब बीच में टेलीफोन की लाइन खराब होती है तो हम बीच में भी कहते हैं हेलो हेलो हेलो। और खुसूसन आज ये 3 दिन में इतने लोग किशनगंज में हैं कि सारे मोबाइल जैम हो गए, मोबाइल लग रहा ही नहीं है, और मोबाइल पे बात करते करते लाइन कट रही है और लोग कहते हेलो हेलो। तो ये डेफिनेशन कि हेलो के मानी टेलीफोन की बातचीत को शुरू करने के लिए मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है, अक्सर बीच में भी इस्तेमाल किया जाता है, इन बिटवीन द कॉन्वर्जेशन। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे और तहकीक करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को किस तरीके से ग्रीट किया, विश किया, आदाब किया, लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 36 में, व्हेन जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम अप्रोच द अपर रूम, जब ईसा अलैहि सलाम ऊपर के कमरे में गए, ही विश्ड हिज अपोस्टल्स सलाम वालेकुम, उन्होंने अपने साथियों से कहा सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम हिब्रू में वही है जो अरबी में है अस्सलाम वालेकुम, और अंग्रेजी में मे पीस बी ऑन यू, और उर्दू में आप पे सलामती हो। ईसा अलैहि सलाम ने जिस तरीके से हम मुसलमान सलाम करते हैं, जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है उसी तरीके से हमारे पहले पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए, उन्होंने भी अपने साथियों से उसी तरीके से मिला और कहा हिब्रू में सलाम अलैकुम, अरबी में अस्सलाम वालेकुम, इंग्लिश में मे पीस बी ऑन यू, उर्दू में आप पे सलामती हो। फिर भी मैं सोचता हूं कि आज मगरबी देश जितने वेस्टर्न कंट्रीज है, क्यों ये ऐसे सलाम को नहीं दोहराते? क्यों नहीं क्रिश्चियन जब दूसरों से मिलते हैं तो सलाम वालेकुम या अस्सलाम वालेकुम या मे पीस बी अपॉन यू क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं? क्यों गुड मॉर्निंग बोलते? गुड मॉर्निंग तो मैं बाइबल में कहीं पढ़ा ही नहीं कि गुड मॉर्निंग कोई पैगंबर ने गुड मॉर्निंग कहा। और ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा सलाम अलैकुम, आप पे सलामती हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जिल्द नंबर 3 किताब सलाम में, हदीस नंबर 5374, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सवारी पे है उसे सलाम कहना चाहिए, जो लोग चल रहे हैं, जो लोग सड़क पे चल रहे उन्हें सलाम करना चाहिए, जो लोग बैठे हुए हैं। एक छोटा ग्रोह बड़े ग्रोह को पहले सलाम करना चाहिए। अक्सर साहबा कोशिश करते थे कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनको सलाम करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पहले सलाम करते थे। कितने भी सहाबा कोशिश करते थे कि हम आज पहले सलाम करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उन्हें मौका ही नहीं देते थे, खुद पहले सलाम करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम में, जिल्द नंबर 3 किताब सलाम, चैप्टर नंबर 903, हदीस नंबर 5378। मुसलमान फरमाते कि एक मुसलमान का हक है दूसरे मुसलमान पे 5 चीजों पे। एक है कि सलाम का जवाब दे। अगर कोई छीके और कहे अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब मिलना चाहिए या रहमतुल्लाह। बीमार को देखने जाना और मैयत में जाना, ये 5 चीज मुसलमान का हक है दूसरे मुसलमान पे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो आदमी सीढ़ी के नीचे उतर रहा है उसे पहले सलाम करना चाहिए जो आदमी सीढ़ी के ऊपर जा रहा है। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस है सही मुस्लिम में, बुखारी में, कि किस तरीके से सलाम करना चाहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में कि जब भी आप कोई मोमिन से मिलो, जब भी कोई मुसलमान से मिलो तो आपको अस्सलाम वालेकुम। हमारे आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब भी आप मुसलमान को देखो आप सलाम करो। छोटे लोग बड़े लोग को पहले सलाम करना चाहिए, सीढ़ी पे उतरने वाले लोग चढ़ने वाले लोग से पहले सलाम करना चाहिए, जो लोग सवारी पे है, जो लोग चल रहे उसको पहले सलाम करना चाहिए, चलने वाले बैठने वाले लोग को पहले सलाम करना चाहिए। ये सब तरीके। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर मैं ये नहीं पहचानूंगा कि मेरे सामने जो इंसान है वो मुसलमान है कि नहीं, मैं सलाम कैसे करूं? कुरान की आयत है कि मुसलमान मिले तो सलाम करो। अल्लाह के रसूल फरमाते मुसलमान जो नीचे उतर रहा है वो चढ़ने वाले से सलाम करे, छोटा आदमी बड़े वाले से करे,